नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर टू स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने लास्ट लाइव क्लास में आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टुडेज टॉपिक इज यूटिलिटीज। यूटिलिटीज तीन तरह की, यूटिलिटीज में तीन चीजें आती हैं, ठीक है। पहला डिफ्रेगमेंटेशन, बैकअप फाइल्स एंड स्कैन सिस्टम। आज हम पहले यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद डिफ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 24। देयर इज अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ सॉफ्टवेयर दैट व्हाइल नॉट स्ट्रिक्टली पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सॉफ्टवेयर में जैसे जो कि अपने से ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं दिखती हैं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं और आप उस चीज़ के थ्रू जो काम होते हैं उसके बारे में जब जान जाएंगे तो वो पता भी चल जाएगा आपको कि किसके थ्रू होती हैं, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफन टाइड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कम्स अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी क्या होते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आते हैं और इसे हम किस तरह से जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू जानते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज आर द प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन टू कंप्लीट कॉमन टास्क सच एज। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किस लिए लिखे गए हैं कुछ कॉमन टास्क को करने के लिए। कंप्यूटर के अंदर कुछ कॉमन टास्क दिए गए हैं जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही करता है। पहला है फाइल सॉर्टिंग्स बाय डेट टाइप साइज। जब आप कोई नाम लिखते हैं या कोई काम करते हैं या कोई सीरियल नंबर लिखते हैं तो उसकी सॉर्टिंग करते हैं ना, तो किसके थ्रू करते हैं आप? कभी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, कभी सीरियल नंबर में लेते हैं, कभी डेट वाइज करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। फाइल कन्वर्सेशन कन्वर्ट अ साउंड फाइल टू डॉट AVI फॉर्मेट। अब जैसे किसी फाइल को हमें कन्वर्ट करना है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में तो वो भी किस में आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क का भी जो डिफ्रेगमेंटेशन है वो भी इसी में आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिफ्रेगमेंटेशन फॉर रीऑर्डरिंग द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क टू मेक देम कंटिजियस, यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सेटअप ऑफ स्क्रीन सेवर्स, सिस्टम क्लीन अप टूल्स फॉर रिमूविंग ओल्ड इंस्टॉलेशन डिटेल्स, टेम्परेरी फाइल्स एंड डेड शॉर्टकट्स, डिलीटिंग डेटा, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग एंड फायरवॉल। ये जितनी चीजें यहाँ पे दी गई हैं ये सारा आपका आता है इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम में मैंने जैसा कि बताया इसमें कि डिफ्रेगमेंटेशन है आपका, तो डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक। विद कंटिन्यूअस यूसेज ओवर टाइम फाइल्स ऑन द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव गेट फ्रेगमेंटेड एंड अ लॉट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड अप फॉर सॉर्टिंग एड्रेसेस ऑफ न्यू एडिशंस एंड डिलीशंस इन दीज फाइल्स। एज अ रिजल्ट द कंप्यूटर स्लो डाउन बिकॉज इट हैज टू चेक मल्टीपल प्लेसेस ऑन द ड्राइव फॉर दोज पीसेस। Use the built-in tool in Windows to defragment those files to have the computer run more efficiently. Windows 10 automatically defragments file as per schedule by default once a week. अब जैसे आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जब आप कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, मान लीजिए आप फाइल्स लोड कर रहे हैं तो एक फाइल को आप कई बार लोड कर लेते हैं तो वो अलग अलग प्लेसेस पे स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है हार्ड डिस्क में स्पेस आपकी ज़्यादा कवर होती है, ठीक है। अब एक ही चीज़ को आप 10 जगह रखेंगे तो जगह ज़्यादा लेगी ना, कि पता लगा आपने एक पेंसिल, मान लीजिए कि आपने स्टेशनरी बॉक्स होता है आपका, ठीक, पेंसिल इरेजर शार्पनर होता है, अब आप एक पेंसिल बॉक्स यहाँ रखेंगे, एक पेंसिल बॉक्स दूसरे कबर्ड में रखेंगे, तीसरा अलग रखेंगे, तो हर जगह उसने स्पेस ली, या एक पेंसिल यहाँ पेन वहाँ इस तरह से अलग अलग जगह रखा, अब उसको एक जगह आप अगर रख लेंगे तो स्पेस कम हो जाएगी पूरे घर में या आपके अलमीरा में। दूसरा, एक ही पेज की कई कॉपी यानी एक ही बुक, एक ही क्लास की कंप्यूटर की आप चार बुक ले लेकर के अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा, वो भी स्पेस अलग अलग कवर करेगा, तो एक ही आपके पास बुक होगी आप उसी से रीड करेंगे, उसी से वर्क करेंगे, तो स्पेस भी कम लेगा और उसको मेंटेन करना भी ईजी रहेगा।
उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है। आप एक फाइल को कई जगह स्टोर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इसमें एडिटिंग की थी कि इसमें की थी कि किसमें की थी, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जब डीफ्रेगमेंटेशन होता है तो जो भी डुप्लीकेट फाइल्स होती हैं वो हटा दी जाती हैं और आपकी एक मेन फाइल जो ओरिजिन फाइल होती है वो आपकी, आप उस पर वर्क कर सकते हैं और वो अवेलेबल रहती है हार्ड डिस्क में, ठीक है। इसी तरीके से जब आप फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो अगर लगता है कि ये चीज़ बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुई है तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑटो डिलीट कर सकता है या आपको बार बार इंफॉर्मेशन देगा कि ये आपकी इतने लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हुई है, अगर आपकी यूज की नहीं है तो यू कैन डिलीट इट। स्टेप वन, अब इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। टाइप ऑप्टिमाइज इन द टास्क बार द फॉलोइंग विंडो विल ओपन। ओपन द डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। अब देखिए क्या करेंगे, टास्क बार में ऑप्टिमाइज पे जाएंगे, ऑप्टिमाइज पे और डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव पे क्लिक करेंगे। स्टेप थ्री, सेलेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव एंड क्लिक ऑन एनालाइज। और उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव को हम चूज करते हैं और एनालाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चेक द परसेंटेज ऑफ फ्रेगमेंटेड ड्राइव, क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज टू डीफ्रेगमेंट इट। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर हमें लगता है कि इसको डीफ्रेगमेंट करने की जरूरत है तो हम उसको डीफ्रेगमेंट कर देते हैं। डीफ्रेगमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और वहां रख करके हम इसको डिफ्रेगमेंट कर देंगे। तो जितनी भी हमारी अननेसेसरी फाइल्स हैं या हमारी स्पैम फाइल्स हैं, या कहना चाहिए कि आपकी जो डुप्लीकेट फाइल्स हैं, ये सारी वहां से डिलीट हो जाती हैं। और लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें वही फाइल जाएंगी जो डुप्लीकेट होंगी या एक से ज्यादा कॉपीज उसकी अवेलेबल होंगी, तो इसलिए डिफ्रेगमेंटेशन में आपको कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने ये जाना कि कितनी किस क्या चीज़ होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे बताया, मैंने एक बार फिर से बता दे रही हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, डीफ्रेगमेंटेशंस होती हैं, एंटीवायरसेस होते हैं, स्क्रीन सेवर्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम इसके आगे भी और पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।